Hey, what's up everybody? कैसे हो आप सब? वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। गुड मॉर्निंग बच्चों, देखिए आपका थर्ड चैप्टर जो है वो कोर्स बुक में कंप्लीट हो चुका है ना। अब आप किस में स्टार्ट करेंगे वर्क? प्रैक्टिस बुक में। इस बुक में भी आपका वर्क बहुत थोड़ा सा है और ज़्यादातर ड्राइंग वाले वर्क हैं, ठीक है। आपको करना भी है, अपनी बुक में ही करना है और अच्छे से करना है, कलर करना है, ठीक है। फर्स्ट है माई टर्न वन। माई टर्न वन में ड्रॉ पिक्चर्स उन्होंने कहा है, आपको ये दो ब्लॉक दिया है, दोनों में आपको पिक्चर बनानी है। पहला डे टाइम और दूसरा नाइट टाइम। डे टाइम हम कैसे दिखा सकते हैं? मैंने जब आपको कोर्स बुक में पढ़ा रही थी, शुरू किया था, मैंने बताया था आपको कि जब भी हम डे टाइम दिखाना होता है तो हम वहाँ पर एक सन बना देते हैं। सन और सनलाइट से क्लियर होता है कि ये डे टाइम है। और नाइट को क्लियर करने के लिए हम क्या बनाते हैं? एक मून बना देते हैं और स्टार्स बना देते हैं, क्योंकि मून और स्टार्स हमें कब दिखाई देते हैं? नाइट में ही दिखाई देते हैं। तो वही हम यहाँ भी करेंगे। देखिए यहाँ हम बनाने जा रहे हैं, देखिए एक आप मान लीजिए पेड़ बना देते हैं, ठीक है, बड़ा बिग ट्री बना लेते हैं। ये आपका बिग ट्री हो गया। कुछ ऐसे चिड़ियों को उड़ते हुए दिखा दीजिए। दिन में क्या होती हैं चिड़िया? उड़ती हैं। और यहाँ एक सन बना दीजिए। दिन में क्या होता है? सनलाइट होती है, सन होता है। तो हम जब सन बना देते हैं तो हमें ये जो है डे टाइम क्लियर होता है। यहाँ कुछ ग्रास जैसा बना दीजिए, इस तरह से डेकोरेट कर दीजिए, कहीं फ्लावर्स बना सकते हैं आप थोड़ा थोड़ा, है ना। तो आप इस तरह से डे टाइम को दिखा सकते हैं। नाइट में हम क्या करते हैं? बाकी तो हमारा डार्क शेड रहेगा, रात में अंधेरा रहता है, डार्क रहता है। हम केवल यहाँ पे क्या करेंगे? मून बना देंगे। ये मून हो गया और कुछ स्टार्स बना देते हैं। इस तरह से कुछ स्टार्स बना दीजिए। तो ये क्या है? मून और स्टार जहाँ दिखेगा वहाँ आपका ये नाइट टाइम क्लियर होगा। यहाँ आप कलरफुल कर दीजिएगा। मान लीजिए अगर आप एक पेड़ बना भी देते हैं इस तरह से, तो आप इसको जो है पूरा ब्लैक कर दीजिएगा। इसको जो है पूरा ब्लैक कर देंगे तो ये पता चलेगा कि डार्क टाइम है, नाइट का टाइम है, इसलिए ये पेड़ जो है हमें सिर्फ पेड़ की छाया जैसी दिख रही है, ठीक है। इस तरह से आप इसको डार्क कर सकते हैं। ग्रीन मत करिएगा, कोई दूसरा कलर मत करिएगा, डार्क कर दीजिए, ब्लैक कर दीजिए या ग्रे कर दीजिएगा, इससे ये नाइट टाइम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका राइट द ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग्स मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे आप विश करते हैं सुबह टीचर्स को आके विश करते हैं, गुड मॉर्निंग, जाते समय आप गुड आफ्टरनून बोलते हैं, किसी को शाम को मिलता है तो गुड इवनिंग बोलते हैं, रात में सोने से पहले हम क्या करते हैं? गुड नाइट बोलते हैं। तो ये ग्रीटिंग्स कहलाती हैं बच्चों। अब आपको यहाँ पे कुछ फिगर दिया हुआ है, कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं, इनको देख के आपको समझना है कि ये कौन से समय का है और हमें इस समय क्या बोलना है। फर्स्ट आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या बना हुआ है, पहाड़ है और सूरज, सन क्या है, वो उग रहा है, अभी निकल ही रहा है। तो ये सन निकलने का टाइम क्या होता है? मॉर्निंग का टाइम होता है। मॉर्निंग के टाइम में हम क्या करेंगे, क्या बोलते हैं? गुड मॉर्निंग। तो हम यहाँ लिखेंगे गुड मॉर्निंग। ये क्या है? देखिए पहाड़ नीचे दिखाई दे रहे हैं और सूरज बिल्कुल ऊपर आ गया है। जब सूरज ऊपर आ जाता है इसका मतलब क्या होता है कि सुबह का समय खत्म हो गया, अब दोपहर का समय स्टार्ट हो रहा है, मतलब आपका गुड आफ्टरनून। यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? गुड आफ्टरनून, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये पानी का एरिया है और
सूरज जो है इसकी रोशनी बाहर नहीं निकल रही है, है ना। देखिए ये सूरज है बट इसकी रोशनी बाहर नहीं निकल रही है, जैसे यहाँ बाहर निकल रही थी ना उगते समय, और डे टाइम पे क्या होता है सूरज की किरणें फैलती हैं और शाम को क्या होता है सूरज की किरणें सिमटने लगती हैं। तो यहाँ पर वो सूरज तो है पर आपका किरणें बाहर नहीं निकल रही, इसका मतलब क्या है, ये शाम का समय है, चिड़िया वापस घर की ओर जा रही हैं, इसका मतलब ये शाम का समय है। और शाम को हम क्या बोलेंगे, गुड इवनिंग। यहाँ पे क्या लिखेंगे, गुड इवनिंग। यहाँ फिर से देखिए मून और स्टार हैं, क्लियर है। अभी मैंने आपको बताया मून और स्टार कहाँ कब होता है, नाइट में होता है, तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, गुड नाइट। माय टर्न टू पे ध्यान दीजिए, देखिए माय टर्न टू में क्या है लिखा है, टिक राइट द एक्टिविटी टेक लेस टाइम, मीन्स जिस चीज जिस काम को करने में हमें कम समय लगता है, दो दो चीज़ें दी हुई हैं, दो दो काम दिए हुए हैं, उनमें कंपैरिजन करना है और बताना है कि कौन सा काम लेस टाइम टेक करता है, मतलब कम समय लेता है, और जो कम समय लेता है उसी के आगे जो सर्कल है उस पर हमें टिक करना है। अब देखिए ईट ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट खाने में, या फिर स्टडी इन स्कूल, या स्कूल में पढ़ने में, किस में कम टाइम लगता है। ब्रेकफास्ट आप 10 से 15 मिनट के अंदर कर लेते हैं बट स्कूल में आप कितने घंटे रहते हैं, 4 से 5 घंटे रहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, कौन सा काम कम टाइम ले रहा है, ईट ब्रेकफास्ट, तो हम यहाँ पे टिक कर देंगे, ठीक। फिर देखिए डू होमवर्क और टेक अ शावर, होमवर्क करने में ज़्यादा समय लगता है या टेक अ शावर मीन्स नहाने में, नहाने में ज़्यादा टाइम लगता है, किसमें कम टाइम लगता है, हमें होमवर्क करने में टाइम ज़्यादा लगता है और नहाने में समय कम लगता है, तो हम यहाँ पर टिक करेंगे। तो बच्चों माय टर्न वन और माय टर्न टू आप लोग अपनी बुक में कंप्लीट करिएगा, पिक्चर्स को ड्रॉ करिएगा, इसमें सारे कलर्स दीजिएगा, इसमें कलर मत दीजिएगा, डार्क कलर रखिएगा, ये सारे आपके बने हुए हैं, आपको सिर्फ गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग और गुड नाइट लिखना है, ठीक है। तो आप लोग ये वर्क कंप्लीट करिए अपनी बुक में।